हेलो एवरी वन वेलकम टू जे के एग्जाम क्रैकर माई नेम इस भानुप्रिया एंड आई एम योर एजुकेटर फॉर द स्पेशलाइजेशन सिलेबस ऑफ सुपरवाइजर इन सोशल वेलफेयर ऑफिस आज हम अपना सोशालोजी का दूसरा लेक्चर uh, आपके सामने लेके आए हैं एंड आज का जो टॉपिक रहने वाला है दैट इज़ कम्युनिटी एज़ हमारे सिलेबस में दिया हुआ है फर्स्ट टॉपिक सोसाइटी है दूसरा कम्युनिटी है तो आज हम कम्युनिटी को पढ़ेंगे अच्छे से वेल well, स्टूडेंट्स हमने पहले लेक्चर में बहुत गहराई से बहुत डेप्थ में हमने इसको समझा व्हाट इज़ सोसाइटी व्हाट आर डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटी फ़ीचर्स ऑफ सोसाइटी क्या कैरेक्ट्रिस्टिक्स होती हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोसाइटी पढ़ा हमने आज हम कम्युनिटी को पढ़ेंगे व्हाट इज़ कम्युनिटी वट आर द एलिमेंट्स दैट फॉर्म अ कम्युनिटी हाउ डू वी डि डिफरेंशिएट बिटवीन सोसाइटी एंड कम्युनिटी और कम्युनिटी एंड एसोसिएशन और क्या फीचर्स हैं जहाँ से हम कह सकते हैं दैट दिस एंटिटी इज़ कॉल्ड इज कम्युनिटी और दिस इज़ नॉट अ कम्युनिटी सो लेट अस स्टार्ट विद आर सेकेंड लेक्चर एज वी सेट सोसाइटी इज़ अ वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स एज डिफाइंड मैकाइवर एंड पेज और इन जनरल टर्म्स ऑल्सो वी अंडरस्टैंड दैट सोसाइटी सोशल रिलेशनशिप्स का एक जाल है वॉट इज कम्युनिटी दैन कम्युनिटी एग्जिस्ट्स विद इन अ सोसाइटी सोसाइटी एक बड़ी एंटिटी है समाज एक बड़ी चीज़ है जिसके बीच में बहुत सारी कम्युनिटीज होती हैं बट है क्या ये कम्युनिटी कम्युनिटी को सोशोलॉजिकली बहुत सारे थिंकर्स ने एक्सप्लेन किया है समझाया है अपने अपने तरीक़ों से हमें उसके एलिमेंट्स को समझाने की कोशिश की है बट कम्युनिटी इन वेरी सिंपल टर्म्स वी कैन अंडरस्टैंड इज फॉर्म्ड ऑफ टू वर्ड्स कॉम म्यूनस कम मीन्स टुगेदर म्यूनिस मीन्स सर्व वेर पीपल कम टुगेदर टू सर्वई ईच अदर और सर्व आई एम नाट सेग देट वो एक दूसरे को कुछ सर्व करते हैं या कुछ खाना खिलाते हैं नहीं सर्व टुगेदर और कम टुगेदर विच मीन्स दैट जहाँ लोग एक जोग्रफ़िकल एरिया में एक साथ रहते हैं एंड दे हैव दिस सेंटिमेंट ऑफ बिलोंगिंग टू ईच अदर एक ऐसी जोग्राफ़िकल एरिया जिसमें लोग रहते हैं एंड दे आर अवेयर ऑफ ईच अदर प्लस दे हैव दिस फीलिंग ऑफ लिविंग टुगेदर बिलोंगिंग टू वन अनदर अदर एज़ वेल एज ऑफ बीइंग ऑफ यूज टू ईच अदर इट्स नॉट लाइक कि अगर किसी जोग्राफिकल एरिया में लोग एक साथ हैं लेकिन उन्हें एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है तो वो कम्यूनिटी नहीं है फॉर एक्ज़ाम्पल अगर एक मेट्रो में लोग ट्रेवल कर रहे हैं ऑफ़ कोर्स दे आर शेयरिंग द सेम जोग्राफिकल लोकेल एट दैट टाइम बट डू दे फॉर्म अ कम्युनिटी नो बिकॉज दे डू नॉट बिलोंग टू ईच अदर दे डू नॉट बॉदर अबाउट कौन कहाँ से आ रहा है कहाँ जा रहा है किसकी क्या प्रॉब्लम्स हैं या किसी को क्या ज़रूरत है तो दे डू नॉट फॉर्म अ कम्युनिटी बट जब हम एक नेबरहुड की बात करते हैं हम अपने मोहल्लों की बात करते हैं तो वहाँ पर एक जोग्रफिकल एरिया तो आ गया विच इज द फर्स्ट एलिमेंट टू अंडरस्टैंड अ कम्युनिटी कि लोग एक एक फिजिकल जोग्राफिकल एरिया में एक साथ रहते हैं प्लस दे हैव द सेंस ऑफ लिविंग इन टू दैट एरिया एंड ऑफ सेंस ऑफ बिलोंगिंग टू वन अनदर कि अच्छा ये तो हमारे नेबर्स हैं चलिए हमारे घर शादी है हम इन्हें बुलाएंगे चाहे वो हमारी कास्ट को बिलोंग करें हमारे रिलिजन को बिलोंग करें या ना करें एज वी से दैट रिलेटिव से ज़्यादा क्लोज हमारे नेबर्स होते हैं क्योंकि वो हमारी डेली रूटीन्स में हमारे भागीदार होते हैं सो कम्युनिटी कम्युनिटी क्या होती है जहाँ लोग एक जोग्रफ़िकल एरिया में एक साथ रहकर एक दूसरे के साथ अपने सेंटिमेंट्स को शेयर करते हैं ई होप दैट ये बिल्कुल जो बेसिक जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन कम्युनिटी का दिया है इससे आपको समझ में तो आ गया होगा दैट वॉट इज कम्युनिटी और हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम सोसाइटी ना लेट्स मूव ऑन दिस इज वन एक्सप्लेनेशन विच इज गिवन बाय डंकन मिशन एंड ओरिजिनली द टर्म कम्युनिटी डिनोट कलेक्टिविटी ऑफ पीपल कलेक्टिविटी ऑफ पीपल हु ऑक्यूपाई अ जोग्रफिकल एरिया पीपल हु वट टू गैदर इंगेज इन इकनॉमिक एंड पोलिटिकल एक्टिविटीज एंड हुशली कॉन्स्टिट्यूटेड सेल्फ गवर्निंग सोशल यूनिट विद वैल्यूज एंड एक्सपीरियंसिस फीलिंग्स ऑफ बिलोंगिंग टू वन ईच अदर यहाँ पे ये यह जो टर्म्स मैंने अंडरलाइन की हैं आप यहाँ से समझ सकते हैं वट इज़ कम्यूनिटी पहली कंडीशन इट इज़ आफकोर्स अ कलेक्टिविटी ऑफ़ पीपल सोसाइटी जो है वो कलेक्शन ऑफ़ पीपल है सोसाइटी के अंडर आने वाला कोई भी इंस्टीट्यूशन या कोई भी कॉन्सेप्ट जो हम समझते हैं वो कलेक्टिविटी ऑफ पीपल से ही बनेगा तो लोगों का ऐसा इस तरह से एक साथ आना जहाँ वो एक जोग्रफ़िकल एरिया को ऑक्यूपाई करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल एक ट्राइब की बात करते हैं हम ट्राइबल ग्रुप्स को पढ़ते हैं सो वट डू वी से अंडमानीज अंडमानीज आर दी ट्राइबल्स ऑफ अंडमान आइलैंड जो अंडमान आइलैंड में रहती हैं ट्राइब्स एक पर्टिकुलर ट्राइब है तो उस बाय वर्चू ऑफ लिविंग इन टू अ पर्टिकुलर एरिया वो सब क्या एक जगह पे रहते हैं ये yes. ऐसा नहीं है कि ट्राइबल ग्रुप्स या फिर कोई ऐसा जो कुनबा जिसे हम कहते हैं वो अलग अलग जगहों पर रहते हैं नो no. तो कम्यूनिटी

Louis Wirth, MacIver and Robert Redfield who have explained communities in their own Okay, so they all have made important contributions towards developing the concept of community in sociology. Let us take a look at the definitions in um, different manners community has been defined by different philosophers or different sociologists, Bogajas defines community as a social group with some degree of we feeling and living in a given area. Now this, we feeling and living in a given area. Jaise jaise hum in definitions <laughs> ko padhenge ya samjhenge, ya is concept ko aur depth mein samjhenge, you will come to know or you will realize that

तो बोगैरस कहते हैं एक ऐसा सोशल ग्रुप जिसमें वी फीलिंग होनी चाहिए ऐसा नहीं है हम सब उसमें उसके मेंबर्स अलग थलग पड़े हुए हैं और वी कैन से कि ये लोग कम्युनिटी के है। no, मेंबर्स हैं नो देर हैं एंड एट द सेम टाइम दे आर लिविंग इन अ गिवन एरिया इन डेविस ने इसको डिफाइन किया है एज द स्मॉलेस्ट टेरिटोरियल ग्रुप टेरिटोरियल वंस अगेन दैट कैन एम्ब्रेस ऑल आस्पेक्ट ऑफ सोशल लाइफ एक ऐसा स्मॉलेस्ट टेरिटोरियल ग्रुप वैसे तो अगर हम बात करें तो इंडिया इज़ ऑल्सो अ कम्युनिटी एज अ नेशन बिकॉज वी हैव दिस जोग्राफिकल बाउंड्रीज राइट दैट वी बिलोंग टू इंडिया दिस इज इंडिया एंड दिस इज द अदर नेशन हमारे हमारी बाउंड्रीज हैं डिफरेंट नेशंस के साथ तो जो लोग इस पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया में रहते हैं दे फॉर्म अ डिफरेंट कम्युनिटी एज कंपेयर टू दी अदर हु लिव एट दी अदर एंड सो वॉट डू वी से इंडिया भी तो एक बड़े लेवल पर देखा जाए तो नेशंस भी तो कम्यूनिटीज़ होते हैं बिकॉज द पीपल लिविंग इन टू दैट जोग्राफिकल एरिया हैव ऑल्सो दैट वी फीलिंग सेंस ऑफ वी फीलिंग वैन देर इज़ लाइक एक क्रिकेट मैच होता है या वॉर सिचुएशन होती है या कोई ऐसी चीज़ होती है तो हम सबके से गूजबम्ब हो जाते हैं दैट ओ यस वी वी आर इंडियन वी ऑलमस्ट विन दिस so वी सेलिब्रेट और वी cherish what वी ऑल अचीव एंड वी ऑल फील gloomy फॉर व्हाट वी लूज जो हम खो देते हैं तो एज अ नेशन हम सभी नेशन के सब लोगों को वो फीलिंग आती है तो वी फीलिंग भी है दैट आप इंडिया से हैं हाँ जी मैं भी इंडियन हूँ मैं भी इंडियन हूँ तो नेशंस जो हैं वो भी कम्यूनिटी की एग्जाम्पल हैं बिकॉज देर इज़ दिस एलिमेंट ऑफ जोग्राफिकल एरिया एट द सेम टाइम वी फीलिंग दिस इज द स्मोलेट टेरिटोरियल ग्रुप दैट्रेसिंग टूस ने लोकलिटी एक ऐसा ग्रुप है या फिर बहुत सारे ग्रुप्स की ऐसी कलेक्शन है जो एक पर्टिकुलर लोकलिटी में रहते हैं सो लोकलिटी वांस अगेन इन दर्ड डेफिनेशन ऑल्सो

ग्रुप है और वो इस तरह से एक दूसरे के को बिलोंग करते हैं कि वो लोग हर एस्पेक्ट सोशल लाइफ का हर तरह से एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं अपनी सोशल लाइफ को ऐसे ग्रुप को हम कहते हैं कम्युनिटी ओके okay? अगली डेफिनेशन जिन्सबर्ग ने दी है इट इज अ ग्रुप ऑफ सोशल बींग लिविंग अ कॉमन लाइफ इंक्लूडिंग ऑल द इनफाइनाइट वराइटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ रिलेशन विच रिजल्ट फ्राम दैट कॉमन लाइफ विच कॉन्स्टिट्यूट इट ओके अ ग्रुप ऑफ सोशल बींग्स लिविंग इन कॉमन लाइफ लिविंग अ कॉमन लाइफ यानी कि सोशल बींग्स कौन होते हैं हम पीपल की बात कर रहे हैं हम लोगों की बात करते हैं लोग इस तरह से एक साथ रहते हैं कि वो लोग एक कॉमन लाइफ जीते हैं एक दूसरे के साथ पूरी तरह से अपनी लाइफ्स को शेयर करते हैं तो आई थिंक हम धीरे धीरे समझ रहे हैं कि कम्युनिटी क्या है द पीपल लिविंग टुगेदर इन टू विलेजेस दे फॉर्म अ कम्युनिटी हम कहते हैं कि अच्छा आप इस गाँव से हैं ये गाँव यहाँ ख़त्म हो गया यहाँ से दूसरा गाँव शुरू हो गया राइट right? वहाँ पर लोगों का कैसा जीवन होता है हाउ डू दे लिव दे लिव टुगेदर बिकॉज बाय एंड दे लिव इन टू अ पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया बाय वर्चू ऑफ लिविंग इन टू अ पर्टिकुलर एरिया दे आल्सो हैव दिस फीलिंग ऑफ बिलोंगिंग टू वन अनदर ये मेरे गांव की लड़की है ये मेरे गांव का लड़का है उसने ऐसा किया तो वी आर फीलिंग प्राउड ऑफ हिम तो हम लोग एक दूसरे के साथ सब कुछ शेयर करते हैं खुशी हो गम हो कुछ हो तो हम एक दूसरे के घरों में आते जाते हैं राइट वी नो वट इज़ हैपनिंग वेयर एक दूसरे को हम बेजक होकर पूछते हैं वट इज़ यू नो कौन आया था आपके घर में या आपके घर में आज क्या बना है खाने में तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें भी मतलब हम इतना ज़्यादा एक दूसरे के साथ डीपली इन्वॉल्व होते हैं वेल वेल लेट्स टेक एग्ज़ाम्पल कि शहरों में भी अगर नेबरहुड uh, हैं तो नेबरहुड में कही न, कहीं ना कहीं वी फीलिंग होती है पर अगर आप मेट्रोज़ में चले जाएं तो पूरे अपार्टमेंट्स में ऊपर कौन रहता है नीचे कौन रहता है किसी को पता नहीं होता सो so, वहाँ पर एक्टिविटीज़ की जाती हैं इन उनको फॉर्मली इंट्रोड्यूस किया जाता है क्लब्स बनाए जाते हैं मीटिंग्स रखी जाती हैं सो दैट पीपल गेट टू नो ईच अदर लेकिन अगर हम स्मॉल लोकेलिटीज़ uh, की या छोटे शहरों की छोटे गांवों की बात करें तो वहाँ पर कम्युनिटीज़ जो हैं वो एज़ सेंटिमेंट डेवलप होती हैं फाइन टैल्कड पार्सन नेक्स्ट उनको डिफाइन कर रहे हैं एज एन एस्पेक्ट ऑफ ऑल सोशल यूनिट्स मोर स्पेशली रेफरेबल टू द टेरिटोरियल लोकेशन ऑफ ह्यूमन बींगज एंड दर एक्टिविटीज़ यानी कि इस तरह से सोशल यूनिट्स को समझा रहे हैं जो कि टेरिटोरियल लोकेशन के थ्रू आप समझ सकते हैं अगर टेरिटरी वाला कॉन्सेप्ट नहीं इन्वॉल्व होता है किसी सोशल ग्रुप में तो वो कम्यूनिटी नहीं है वो कुछ भी और उस तरह से आप हमसे समझ सकते हैं फॉर एग्जाम्पल एक कास्ट की बात हम कर ले एक कास्ट ग्रुप होते हैं ठीक है ना तो कास्ट एज अ टॉपिक हम इसको पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट यूनिट में विच इज सोशल स्ट्रेटिफिकेशन लेकिन कास्ट के लोग कहते हैं दैट वी बिलोंग टू वन कास्ट वी ऑल बिलोंग टू ईच अदर बट डू दे फॉर्म अ कम्युनिटी नो पीपल बिलोंगिंग टू वन कास्ट डू नॉट वी कैन से इसेंशली लिव एट वन प्लेस राइट पीपिल बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर कास्ट माईट भी लिविंग इन टू डिफरेंट सिटीज डिफरेंट एरियाज डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इज़ वैल सो डू दे फॉर्म अ कम्युनिटी नो कास्ट इज़ नॉट अ कम्युनिटी ग्रुप फाइन जो मैं बोल रही हुई चीज़ें फॉर एग्जाम्पल मैंने कास्ट की एग्जाम्पल दी मैंने नेशन की एग्जाम्पल दी आई सजेस्ट यू पीपल मेक नोट ऑफ दिस थिंग क्योंकि ये एग्जाम्पल्स जो हैं वो आपको एम सी क्यूज में आ सकती हैं कि क्या कास्ट ग्रुप एक कम्युनिटी है या नहीं है या इनमें से कौन कौन से चीजें आप कम्युनिटी uh, के अंडर ला सकते हैं कम्युनिटी में कैटेगराइज इसको कर सकते हैं ठीक है रॉबर्ट पार्क की एक डेफिनेशन हम इसको ध्यान से पढ़ लेते हैं कम्युनिटी इज द्रॉ इन ब्रॉडकास्ट सेंस

लोग जो हैं जो कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं दे हैव अ कॉमन कॉन्शियसनेस दे हैव अ फीलिंग ऑफ बिलोंगिंग टू ईच अदर एंड एक्सक्लूसिव जो उनके उनको लगता है कि ये हमारी कम्युनिटी के लोग हैं और ये दूसरी कम्युनिटी के लोग हैं दे कैन डिफ्रेंशिएट ईच अदर मेकोर ने इसको डिफाइन किया है वेन द मेम्बर्स ऑफ अ ग्रुप लिव टुगेदर एंड शेयर नॉट ओनली पर्टिकुलर इंटरेस्ट बट द बेसिक कंडीशन ऑफ कॉमन लाइफ दिस ग्रुप इज कॉल्ड एज कम्युनिटी कि आप अपनी बेसिक जो हमारी कॉमन लाइफ होती है ना उसके सारे एस्पेक्ट्स को हम जिस जब शेयर करते हैं जिन लोगों के साथ और एट द सेम टाइम वो लोग हमारे साथ हमारी जोग्राफिकल लोकेशन को भी शेयर करते हैं ना तो वो हमारी कम्युनिटी का हिस्सा होते हैं

मूविंग अड विद दिस टॉपिक सब कम्युनिटीज़ को सेल्फ सफिशेंट होना ज़रूरी नहीं है कि कम्युनिटी हम उस ग्रुप को कहें जिसमें हम कह रहे हैं कि वो सारा अपने काम खुद से कर लेते हों इट इज़ नॉट सो दे नाट नीड टू बी सेल्फ सफिशियंट सो द डिफरेंट कम्युनिटीज़ आर इंटर डिपेंडेंट सब कम्युनिटीज़ आर ऑल इंक्लूजिव एंड इनडिपेंडेंट ऑफ अदर्स कुछ कम्युनिटीज़ ऐसी होती हैं जो पूरी तरह से इंडिपेंडेंट होती हैं जो दूसरों पे डिपेंड नहीं करती हमने कहा ना दे नीड नॉट टू बी सेल्फ सफिशेंट बट देर आर सम इग्ज़ाम्पल्स नाउ लेट इस एग्ज़ाम्पल ऑफ सम प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स जहाँ या फिर कुछ ऐसे गांव, कुछ ऐसे रिमोट एरियाज जहाँ पर पीपल्स स्टिल हैव दैट हैबिट और दैट लाइफ स्टाइल जहाँ वो सब कुछ अपने आप से ही अपना प्रोड्यूस भी करते हैं और अपने आप से अपनी सारी जरूरतें पूरी कर लेते हैं मे बी वो अपनी फसल उगाते हैं अपना ही आटा पीसते हैं अपनी ही चीज़ें अपनी मतलब उस तरह से लाइफ को कंटिन्यू कर लेते हैं वे आर दे आर टोटली इंडिपेंडेंट विच इज़ वेरी डिफ़िकल्टन टू डे लाइफ बट देर स्टिल आर एग्जाम्पल्स बट ऑल कम्यूनिटीज़ नीड नॉट टू बी सो सेल्फ सफिशेंसी जो है वो कम्यूनिटी का फीचर नहीं है िटीज ऑफ नो मोर दैन हंड्रेड परसेंट फॉर एग्जाम्पल यूरोप ट्राइब्स ऑफ कैलिफोर्निया यानी कि बहुत आइसोलेटेड कुछ ट्राइब्स हैं आज वो कम्युनिटी ग्रुप्स तो हैं एंड दे हैव वेरी लिमिटेड और वेरी लेस मेम्बरशिप हम अंडमानीज निकोबारी ओंजिज इस तरह की जो हमारी इंडियन ट्राइब्स हैं उनकी भी ऐसी ही एग्जाम्पल्स हैं जिसमें अब हार्डली 50 टू 70 मेंबर्स रह गए हैं एंड दे आर कम्युनिटीज जिनकी मेंबरशिप बहुत कम है बट मॉडर्न कम्युनिटीज जो हैं वेरी लार्ज मच लेस सेल्फ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इंटरडिपेंडेंस भी है मॉडर्न कम्युनिटीज का बहुत इसेंशियल फ़ीचर है सो इन कम्युनिटीज़ का फीचर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर हम एक जोग्राफिकल एरिया में रहते हैं या फिर हम एक दूसरे को बिलोंग करने की फ़ीलिंग रखते हैं तो हम दूसरों के साथ बिल्कुल कम्युनिकेट नहीं करेंगे ऐसा नहीं है मॉडर्न कम्युनिटीज़ जो हैं दे आर इंटर डिपेंडेंट ऑन अदर्स देर आर फॉर इकनॉमिक फ़ॉर दर पोलिटिकल फॉर दर सोशल नीड्स एंड इश्यूज़ फ़ाइन वी आर मेम्बर्स मोस्टली ऑफ अ वेरी स्मॉल कम्युनिटी दो वी मे बी लिविंग इन बिग सिटीज़ तो आई अब ऐसे ही सही बात कर रहे हैं कि चाहे हम जितने भी बड़े बड़े शहरों में रहते हो लिविंग इन टू वन सिटी वन बिग सिटी और वन यू नो बिग एरिया डज़ नॉट मीन दैट हम एक बहुत बड़ी कम्युनिटी का हिस्सा बन गए हैं नो मोस्टली हम लोग छोटी कम्यूनिटीज़ का ही हिस्सा होते हैं अब हम अपने पूरे शहर की बात करें तो क्या हम कह सकते हैं कि ये पूरा शहर मेरी कम्युनिटी है चूँकि नहीं बिकॉज़ मे बी वी डू लिव इन अ पर्टिकुलर सिटी और एक बहुत बड़ी जगह में लेकिन हमारी क्या आपस में एक दैट फीलिंग दैट वी फीलिंग दैट कम्युनिटी सेंटिमेंट होना भी तो ज़रूरी होता है अब जैसे जो लोग शहरों में रहते हैं जो पुराने रह रहे हैं उनका तो कम्युनिटी सेंटीमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग होगा बट द पीपल हु कम फॉर एग्जाम्पल लिविंग फॉर एक रेंटेड uh, हाउसेस लेते हैं या पी में जो बच्चे रहते हैं क्या उनके साथ वहाँ के नेबर्स का कोई कम्युनिटी सेंटीमेंट डिवेलप हो सकता है या हो पाता है नहीं हो पाता सो वी दो मे वी मे बी मे बी लिविंग इन टू वेरी बिग सिटीज़ बट हम बहुत अपनी छोटी कम्यूनिटीज़ का असली में हिस्सा होते हैं दिस इज़ बिकॉज आर इंटरेस्ट आर सरकम्सक्राइब विद इन नैरो एरिया क्योंकि हमारे इंटरेस्ट जो हैं वो छोटे एरिया में ही घूमते हैं हम सबके साथ इतना बड़ा सर्कल नहीं रख सकते तो इसीलिए हम चाहे जितने मर्जी बड़े शहरों में रहते हों आर जो बट वी बिलोंग टू स्मॉल कम्युनिटीज़ और स्मॉलर एरियाज On the contrary, we may be living in a village and yet belong to a community as wide as the whole area of our civilization or even wider. So, friends, let's understand community topic jitna simple dikh bhi raha hai, kabhi jab inki examples jab aap se poochhi jaye. तो हम थोड़ा कंफ्यूज भी हो सकते हैं कि oh, I आई एम लिटिल कंफ्यूज्ड कि क्या ये community है या ये community नहीं है सो दिन द एंड ऑफ माई लेक्चर वी विल टेक सम बॉर्डर लाइन केसेस सम सच एग्जाम्पल्स जिनके थ्रू आप समझेंगे कि क्या ये कम्युनिटी है या ये कम्युनिटी नहीं है फाइन नो सिविलाइज कम्युनिटी हैज़ वॉज अराउंड टू कट इट ऑफ कम्पलीटली फ्राम अ लार्जर वन वट एवर आयरन कर्टन में ड्रॉन बाई द रूलर ऑफ़ दिस नेशन और दैट मे काइवर ने कहा है कि कोई भी सभ्य समाज कोई भी सिविलाइज कम्युनिटी जो है देखिए जो अथॉरिटेरियंस की सोसाइटीज़ होती हैं वो तो अपने सब्जेक्ट्स या अपने लोगों पर कंट्रोल कर लेते हैं कुछ ऐसे आज भी हमारे वर्ल्ड में हमारी सोसाइटीज़ देखने को मिलती हैं जिनके रूलर्स जो हैं या जो उनकी जो गवर्नमेंट्स हैं दे डू नॉट अलाउ अदर्स टू इंटरफेयर इन टू देयर मैटर्स बट कोई भी सिविलाइज्ड नेशन कोई भी सिविलाइज्ड कम्यूनिटी अपने इर्द गिर्द इस तरह से कोई कोई वॉल्स uh, नहीं डेवलप कर सकता कि वी डू नॉट अलाउ दी पीपल ऑफ़ अदर कम्युनिटीज़ टू एंटर इन टू आर्स या हम अपने मेम्बर्स को मना करेंगे कि आप बाहर ना जाए सो इसीलिए वी के नॉट से दैट कम्युनिटी के इर्द गिर्द कोई दीवारें होती हैं ऐसा नहीं होता कुछ लोग फॉर एग्ज़ाम्पल आते तो बाहर से हैं लेकिन वो इस तरह से हमारी कम्युनिटीज़ का हिस्सा बन जाते हैं विच एवर कम्युनिटीज़ वी बिलोंग टू वो इतनी गहराई से हमारा हिस्सा बन जाते हैं राइट right? सो वट कैन वी से कि आप वापस चले जाएँ कुछ मोहल्ले में लोग आते हैं और कुछ ही महीनों में वो सबके साथ इतने अच्छे से मिक्सअप हो जाते हैं दे बिकम अ पार्ट ऑफ द कम्यूनिटी एट द सेम टाइम कुछ लोग जो हमारे हिस्से होते हैं हमारे लोग होते हैं वो हमारे साथ बात करना बंद कर देंगे या हमारे साथ अपना सुख दुख नहीं करते तो हमारा सेंटिमेंट ब्रेक हो जाता है हमारा बातचीत ही जब रुक जाए या फिर वो यहाँ से उठ के कहीं और जाए चले जाएँ तो हमारा जोग्राफिकल लोकवालिटी चेंज हो गई तो उस वजह से हम अब एक दूसरे को बिलोंग नहीं करते सो थ्रू दिस मेकाइवर ने जो एक्सप्लेन किया है वी कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड कि किसी भी सिविलाइज्ड सोसाइटी में कम्युनिटी की जो एकदम डेफिनेट वॉल्स या उसकी कोई बाउंड्रीज को डिफाइन करना पॉसिबल नहीं है कम्युनिटीज़ एग्जिस्ट विद इन ग्रेटर कम्युनिटीज़ द टाउन विद इन अ रीजन रीजन विद इन अ नेशन एंड द नेशन विद इन द वर्ल्ड विच अगेन इज इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट हाउ ब्यूटिफुली इट इज़ एक्सप्लेन हीयर दैट कम्युनिटीज़ जो हैं छोटी कम्युनिटीज बड़ी कम्युनिटीज़ का हिस्सा होती हैं छोटे कस्बे छोटे टाउन जो छोटे शहर जो हैं वो बड़े शहरों का हिस्सा हैं बड़े नेशंस का हिस्सा हैं एंड नेशन आल्सो आर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड तो वर्ल्ड इज़ आल्सो अ कम्युनिटी वी कैन से दैट जोग्राफिकली वी ऑल बिलोंग टू वन प्लान दैट इज़ अर्थ एंड वी ऑल हैव दिस फीलिंग दैट आर मदर अर्थ इज़ सफरिंग बिकॉज ऑफ वट एवर प्रॉब्लम्स जो भी ग्लोबल वार्मिंग या हमारे इन्वायरमेंटल इकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं तो क्या वर्ल्ड लेवल पे पूरे देश पूरे दुनिया के देश एक साथ आकर डोंट वी वर्क आर वी वर्किंग पेरिस अग्रीमेंट ठीक है अब ग्लोबल वार्मिंग है या कुछ भी हमारे जो इन्वायरमेंटल इश्यूज हैं हाउ टू स्टॉप ओजोन डिप्लीशन हमें किस तरह से अपनी एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करना है ये सब कुछ हम सारे नेशंस जो हैं सिविलाइज्ड हमारे नेशंस आके एक प्लेटफॉर्म पे बैठ कर बात करते हैं बिकॉज दे हैव अ सेंस दैट्स फीलिंग ऑफ बिलोंगिंग टू वन कम्यूनिटी विच इज़ अर्थ दैट वी बिलोंग टू वन वर्ल्ड तो यहाँ पर भी जोग्रफ़िकल एरिया भी एक हो गया दैट वी बिलोंग टू प्लानट अर्थ और वी लिव और वी ऑक्यूपाई स्पेस ऑन दिस प्लैनेट एंड बायू ऑफ दैट वी ऑल बिलोंग टू इच अदर पर अगर आप तोड़ते जाएं तोड़ते जाएं तो बहुत छोटी 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 कम्युनिटीज का हिस्सा होता है इंसान और अगर हम जोड़ते जाएं तो हम सब कहीं ना कहीं एक कम्युनिटी का हिस्सा हैं डू यू अंडरस्टैंड इट फ्रेंड्स लेट्स मूव ऑन अ कम्युनिटी इज देन एन एरिया ऑफ सोशल लिविंग मार्ग बाय समिग्री ऑफ सोशल कोहरेंस तो एक ऐसा एरिया है कम्यूनिटी जिसमें सोशल लाइफ है एंड ऑल्सो सोशल कोहरेंस विच मीन्स दैट वी ऑल बिलोंग टू वन सोसाइटी ये फीलिंग होती है टर्म कम्युनिटी इज इम्प्लॉयड टू डिस्क्राइब अ फिक्सड लोकेलिटी एज द बेसिस ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन फॉर एग्जाम्पल ट्रेडिशनल रूरल विलेज ठीक है फिक्स लोकेलिटी को डिस्क्राइब करने के लिए हम टर्म लोकेलिटी सॉरी टर्म कम्युनिटी को यूज़ करते हैं प्लीज फॉर एग्ज़ाम्पल ट्रडिशनल रूरल विलेज गिविंग यू दिस एग्ज़ाम्पल सिंस वेरी बिगिनिंग कि जडिशनल रूरल विलेज होते हैं रूरल विलेज का क्या कहना ट्रडिशनल विलेज कहेंगे विज रूरल ही होता है सो विज़ेस में कैसी लाइफ होती है ट्रडिशनल लाइफ होती है पीपल बिलोंग टू वन एन अदर हिस्टोरिकली है न या फिर जिस भी तरह से रिलीजियसली बाई कास्ट या बाई देर एथनिक ग्रुप्स पीपल बिलोंग टू वन एन अदर एक दूसरे को पहले से बिलोंग करते हैं एक जगह पर रहते हैं अपने घरों के थ्रू अपने एरियाज़ के थ्रू अपने खेतों से तो उन सबको एक फीलिंग होती है ये हमारे खेत हैं ये हमारे घर हैं ये हमारा मोहल्ला है तो इस तरह से लोग एक दूसरे को बिलोंग करते हैं ट्रेडिशनल लाइफ को फॉलो करते हैं और एक दूसरे के साथ अपनी सोशल लाइफ में पूरी तरह से इन्ग्रॉस्ड होते हैं सबके घरों की रूटीन्स ऑलमोस्ट एक जैसी होती हैं सबके घरों में पकने वाला खाना एक जैसा होता है उनके रीति रिवाज उनकी रिचुअल्स जो भी उनकी मतलब कल्चर होता है वो एक जैसा होता है सो ट्रेडिशनल रूरल विलेज एक एग्जाम्पल है और उसके लिए हम कम्युनिटी को कम्युनिटी टर्म को यूज़ करते हैं कम्युनिटी टर्म इज़ ऑल्सो यूज टू रेफर टू अ लोकल सोशल सिस्टम और सेट ऑफ रिलेशनशिप्स दैट सेंटर अपॉन अ गिवन लोकेलिटी और सेट ऑफ रिलेशनशिप्स जो कि एक गिवन लोकेलिटी पर बेस्ड होते हैं वंस अगेन माइको कॉर्नल ने कहा है कि हम कम्युनिटी की टर्म को तीन कैटेगरीज में यूज कर सकते हैं पहला कि ट्रेडिशनल रूरल विलेज जैसी जो मतलब ऑन द बेसिस ऑफ देर सोशल ऑर्गेनाइजेशन जो टर्म आ, उन, हम कम्युनिटी टर्म को समझ सकते हैं सेकेंड इज़ कम्युनिटी इज़ यूज टू रेफर टू द लोकल सेट ऑफ रिलेशनशिप्स लोकल लोकल जो है हमेशा किसी लोकेलिटी किसी जोग्रफिकल एरिया पे ही डिपेंड करता है ये वर्ड सो गिवन ऑन अ सेंटर अपॉन अ गिवन लोकेलिटी एंड टर्म कम्युनिटी इज़ ऑल्सो यूज टू डिस्क्राइब क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप्स विच प्रोड्यूज स्ट्रॉग सेंस ऑफ शेयर्ड आइडेंटिटी कि कम्युनिटी को हम तीसरी किस तरह से यूज़ कर सकते हैं क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप्स जो कि एक बहुत ही स्ट्रोंग आइडेंटिटी को जन्म देते हैं या फिर एक बिलोंगिंग टू वन अनदर एक दूसरे के साथ बिलोंग करने की वजह से हमारे किस तरह के सोशल रिलेशनशिप्स होते हैं दैट इज द थर्ड वे हाउ द टर्म कम्युनिटी इज यूज सो अगर हम थोड़ा सा और डिटेल में जाएं और इसके मेन फीचर्स को समझें सो व्हाट इज कम्युनिटी तो कम्युनिटी इज अ ग्रुपिंग ऑफ पीपल ये आपका एक काइंड ऑफ रिविजन है जो हमने कम्युनिटी के कॉन्सेप्ट को थोड़ी देर पहले तक समझा कम्युनिटी इज अ ग्रुपिंग ऑफ पीपल डिफाइन लोकेलिटी विद इन अ जोग्राफिक एरिया ग्रुप जोग्राफिक एरिया

लोगों को जो मेंबर्स हैं कम्युनिटी के या जो एक पर्टिकुलर जोग्राफिक एरिया में लोग एक साथ रहते हैं उनको ये कॉन्शियसनेस एक दूसरे की अवेयरनेस होती है दैट यस वी बिलोंग टू दिस कम्युनिटी, मेंबर्स कैन एक्ट कलेक्टिवली इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर और एक कम्युनिटी के मेंबर्स जो हैं वो आपस में एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में एक्ट करने की कैपेबिलिटी रखते हैं क्लियर फ्रेंड्स लेट्स मूव ऑन एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिटी अब ये एलिमेंट्स मैं आपको पढ़ाऊँगी लेकिन हमने इसके मेन एलिमेंट्स को अब तक थ्रू द definitions, थ्रू द conceptual clearance अभी तक आपने इसको समझ लिया है अब हम इसको टेक्सचुअली पढ़ेंगे या मैं आपको इसकी थोड़ी सी और ज़्यादा क्लियर पिक्चर अब आपको दिखाऊँगी कि एक community में अगर इतने सारे उसके फीचर्स हैं तो हम कैसे उसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि ये एसोसिएशन तो नहीं ये कहीं इंस्टीट्यूशन तो नहीं ये कहीं कोई और चीज़ तो नहीं तो ये कम्युनिटी कैसे होगी कोई भी कोई किसी भी आप ग्रुप को जब समझेंगे तो वो कब हम उसको कम्युनिटी कह सकते हैं देर आर टू मेन एलिमेंट्स टू मेन एलिमेंट्स ये दो चीज़ें अगर होंगी तो वो एक पर्टिकुलर एंटिटी या वो पर्टिकुलर टर्म जो है आप उसको कम्युनिटी की कैटेगराइजेशन दे सकते हैं Okay, the main basis of community are first is the locality and second is the community sentiment. So, friends, locality, ka matlab kya hua geographic or dusra sentiment kya hua that feeling of belonging to one another. Correct? अगर ये दो चीज़ें हैं ना किसी भी ग्रुप में तो वो आपका कम्युनिटी की कैटेगराइज़ेशन में आ जाएगा लेट दस टेक अ लुक लोकेलिटी लोकेलेटी से क्या मतलब है हमारा दैट अ कम्युनिटी ऑलवेज़ ऑक्यूपाइज अ टेरिटोरियल एरिया एक कम्युनिटी जो है हमेशा टेरिटोरियल एरिया को ऑक्यूपाई ही करेगी मैंने फिर से आपको एग्जाम्पल दी नेबरहुड की तो नेबरहुड हमें पता होता है आप किस मोहल्ले में रहते हैं किस गली में रहते हैं या आपके आसपास रहने वाले कितने घर हैं और कितने घरों से आपका उठना बैठना मिलना जुलना है तो वो आपका एक पर्टिकुलर जोग्राफिक एरिया में जो लोग रहते हैं वो पहला बेस बनाते हैं आपकी कम्यूनिटी होने का अगर आप किसी के साथ बहुत अच्छे रिलेशन में हैं आपके रिलेटिव्स अगर किसी दूसरे शहर में रहते हैं नो डाउट कि आप उनके साथ एक सेंटिमेंट रखते हैं ऑफ़ बिलोंगिंग टू दैम उनके सुख दुख का आपको तकलीफ़ है उनको आपको उनके साथ बिल्कुल हमदर्दी है लेकिन वो आपकी कम्यूनिटी का हिस्सा नहीं हो सकते बिकॉज़ दे डू नॉट लिव इन टू योर जोग्रफ़िक एरिया चाहे वो कितने भी क्लोज़ आपके रिलेटिव्स हैं वो आपका कम्युनिटी का हिस्सा नहीं हो सकते That's how I'm saying that belonging to one caste does not mean that you are part of one community because you do not live an, in the same area. So locality is the first element. Two elements locality. Hai. Community always, let's emphasize on this word always. So, always occupies a territorial area. Even a nomad community, band of gypsies for example, has a local दो चेंजिंग हैबिटेशन अब हम जैसे आ, जो जिप्सी बैंड्स होते हैं या जिनको हम बाज़ीगर लोग कहते हैं या आ, जो हमारे जैसे गुजर बकरवाल लोग हो, लोग होते हैं जो मूव करते रहते हैं दे डू नॉट हैव अ फिक्स्ड हाउस उनके पक्के एक जगह पे मकान वो नहीं बनाते है ना ट्रांस्यूमैनस प्रैक्टिस करते हैं गर्मियों में ठंडे इलाकों में चले जाते हैं सर्दियों में प्लेन्स में आ जाते हैं they are also a, a community because they occupy the same locality at every moment its members occupy together it it definitely defin, on the a definite place on the earth definite place on the earth

ऑफ़ द मूविंग ट्राइबल ग्रुप्स और द मूविंग अनसेटल्ड सचनोमेडिक ग्रुप्स तो वो भी कम्युनिटी की एग्जाम्पल में आएंगे कम्युनिटी क्यों हैं अगर आप किसी एक नोमैडिक ग्रुप के किसी एक मेंबर को कुछ कह के या कुछ करके दिखाएं वो सबके सब आपके ऊपर मतलब हमला कर देंगे क्यों क्योंकि दे हैव दिस फीलिंग ऑफ बिलोंगिंग टू वन एंड अदर दे वर लाइक कि तुमने मेरी भाई को या मेरी बहन को कैसे ऐसा कह दिया या ऐसा कुछ उसके साथ गलत करने की कोशिश की क्योंकि दे हैव दिस फीलिंग दैट वी आर ऑफ वन कम्यूनिटी हमारा एक कुम्बा है तो ये क्या चीज़ होती है दैट दे आर अ कम्युनिटी तो सबसे पहली बात तो ज्योग्राफिक एरिया है बट जोग्राफिक एरिया का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो सेटल्ड ही होने चाहिए वंस अगेन डिसाइड चाहे वो मूविंग है चाहे वो परमानेंटली सेटल्ड है मोस्ट ऑफ द कम्युनिटीज आर सेटल्ड बिकॉज मोस्ट ऑफ द कम्युनिटीज नाउड इज आर सिविलाइज्ड बट अगर हम कुछ मूविंग नोमैटिक ग्रुप्स की भी बात करें दे आर ऑल्सो कम्युनिटीज वट इज द नेक्स्ट एलिमेंट नेक्स्ट इज द सेंटिमेंट जिसकी हम बात कर रहे हैं पहला तो जोग्राफिक एरिया होना चाहिए दूसरा कम्युनिटी सेंटिमेंट होना चाहिए तो कम्युनिटी सेंटिमेंट जो है वो भी एक मेजर प्री रिक्विजिट है फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी कम्युनिटी टू वी फाइंड बट नेवर एग्जिस्टेड इन प्रिमिटिव सोसाइटीज दैट पीपल ऑक्यूपाइंग स्पेशल लोकल एरियाज लैक द सोशल कोहरेंस नेसेसरी टू गिव दैम कम्युनिटी कैरेक्टर फॉर एग्जाम्पल द रेजिडेंस ऑफ अ वार्ड और डिस्ट्रिक्ट ऑफ अ लार्ज सिटी में लैक सफिशेंट कॉन्टैक्ट और कॉमन इंटरेस्ट टू इंस्टिल द कॉन्शियस आइडेंटिफिकेशन विद द एरिया इज इट ट्रू कि आज हमारे एक लोकल एरिया में रहने वाले लोग जो हैं उनमें कम्युनिटी सेंटिमेंट की कमी है तो कम्युनिटी सेंटिमेंट नहीं होने की वजह से हम उन्हें कम्युनिटी पूरी तरह से एक्सेप्टेबिलिटी के साथ नहीं कह सकते कि ये कम्यूनिटी है फ़ाइन सो फ्रेंड्स पहली चीज़ तो लोकेलिटी है बट एक लोकल एरिया में रहने वाले लोग भी कम्युनिटी सेंटिमेंट अगर उनमें नहीं है उनको पता नहीं अपने एरिया का अच्छा हम, हम पूछेंगे आपके दो घर आगे कौन रहता है आप कहेंगे हमें नहीं पता कौन रहता है या उनके घर में कितने मेम्बर्स हैं उनके घर में कोई बुजुर्ग हैं या बच्चे हैं हमें नहीं पता वो उनका नाम क्या है तो हम उसको कम्युनिटी नहीं कह सकते फ़ाइन सो दिस इज़ एज इज़ रिटर्न ऑल्सो दैट आजकल मतलब एक एरिया में लोगों को एक दूसरे की नॉलेज नहीं है उनको अपने एरियाज़ की नॉलेज नहीं है तो इसीलिए उनको अपने जोग्राफिकल एरियाज़ की भी नॉलेज नहीं है तो ये आजकल बहुत देखने को मिल रहा है कि कम्युनिटी होते हुए भी मतलब कम्युनिटी का फीचर उनमें है, बट दे आर नॉट कम्युनिटीज़ दे आर नॉट एबल टू बी कॉल्ड एज कम्युनिटीज़ बिकॉज दे लैक दिस कॉल्ड एज कम्युनिटी सेंटिमेंट सच अ नेबरहुड इज़ नॉट अ कम्युनिटी वंस अगेन नॉट अ कम्युनिटी ऐसे मोहल्ले को भी हम ऐसे हमारे पड़ोस के एरियाज़ को भी हम कम्युनिटी नहीं कह सकते बिकॉज इट डज़ नॉट पोजेस अ फीलिंग ऑफ बिलोंगिंग टूगैदर डज इफ इट डज़ नॉट पोजेस दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पे अटेंशन टू दिस दैट अगर नेबरहुड ऐसा आपको अगर केस की तरह से सवाल आ गया क्योंकि हमने अपने पुराने पेपर में देखा है दैट दे हैव आस्ड क्वेश्चन इन द फॉर्म ऑफ सिचुएशंस अब अगर आपको सवाल आ जाता है एम सी क्यू दैट एक नेबरहुड में दस घर हैं बट उनको आपस में एक दूसरे का नहीं पता तो आर दे अ पार्ट ऑफ कम्युनिटी और कैन वी कॉल इट अ कम्युनिटी यू विल से नो येस और नो और वट एवर तो वो कम्युनिटी नहीं हो सकती बिकॉज दे डो नॉट हैव दिस फीलिंग ऑफ बिलोंगिंग टू वन अनादर कम्युनिटी सेंटिमेंट ही जब नहीं है तो फिर क्या होगा दस लोकैलिटी दो अननेसेसरी कंडीशन इज नॉट इनफ टू क्रिएट अ कम्युनिटी लोकैलिटी भी एक नेसेसरी कंडीशन तो है बट इसके साथ सेंटीमेंट इक्वली इंपॉर्टेंट है तो ये दो चीजें होंगी तो ही आप किसी चीज को कम्युनिटी कह सकते हैं सो कम्युनिटी इज एन एरिया ऑफ कॉमन लिविंग देयर मस्ट बी कॉमन लिविंग विद इट्स अवेयरनेस ऑफ शेयरिंग अ वे ऑफ लाइफ एज वेल एज द कॉमन अर्थ क्लियर फ्रेंड्स ना लेट डिसकस अ फ्यू बॉर्डर लाइन केसेज ऑफ कम्युनिटी बॉर्डरलाइन केसेस का मेरा मतलब सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि क्या है बॉर्डरलाइन केसेस का मतलब ये है कुछ ऐसी एग्ज़ाम्पल्स जो हमें लगेंगी कि ये कम्युनिटी हैं लेकिन शायद वो कम्युनिटी की डेफिनेशन में नहीं फिट होती और कुछ ऐसी एग्ज़ाम्पल्स जो कम्युनिटी हमें हो सकता है ना लगें बट वो कम्युनिटी हैं नंबर मोनास्ट्री कॉन्वेंट और प्रिजन में बी टर्म्ड एज कम्युनिटी मोनास्ट्रीज आपको पता है जहां पर आ, सारे मॉन्क्स रहते हैं एक कॉन्वेंट जहां पे क्रिश्चियन हमारी सिस्टर्स वगैरह जो है वो रहती हैं या अपनी लाइफ को स्पेंड करती हैं और अ प्रिजन जहाँ पे हमारे प्रिजनर्स सो कॉल्ड जिन्होंने कोई क्राइम कमिट किया हो तो उनको जेल में रखा जाता है तो जेल में रहने वाले सारे के सारे कैदी और हमारे मोनास्ट्रीज में रहने वाले हमारे जितने भी मॉन्क्स uh, होते हैं या फिर हमारे जो सिस्टर्स या uh, जो भी वी कैन से पीपल हु लिव इन टू कॉन्वेंट दे कैन बी टर्म दस कम्यूनिटी बिकॉज ऑफ़ अ सर्टन एरिया ऑफ सोशल लिविंग क्योंकि वो एक एरिया में रहते हैं एट द सेम टाइम दे हैव दिस कम्यूनिटी सेंटिमेंट सो द पीपल लिविंग इन टू मनास्ट्रीज दे हैव दिस फीलिंग ऑफ बिलोंगिंग टू वन एन अदर सिमिलरली आप जेल में कैदियों की बात सोचें आप खुद ही बैठ के सोचिए कि वो कहाँ रहते हैं या उनको कहाँ रखा जाता है जेल में जेल का एक लोकेलिटी होता है एक uh, मतलब जोग्राफिकल एंडटिटी वाला री रिक्विज पूरा हो गया एट द सेम टाइम दे ऑल्सो हैव दिस फीलिंग ऑफ बिलोंगिंग टू वन एन अदर पता होता है ना हम देखते हैं फिल्म में या किसी में हम नया कोई आता है क्या दी अच्छा भई तू किसको मार के आया है या तूने क्या किया है तो दे आर यू नो अवेयर और दे आर इंटरेस्टेड इन टू नोइंग ईच अदर दे नो ईच अदर इज़ वेल इसको इतने साल हो गए हैं इसके घर में इतने लोग हैं इसने ये किया था ये ऐसा है इसको ये पसंद है नहीं पसंद है सो so वो जब एक साथ रहते हैं एक गिवन एरिया में तो उनका एक सेंटिमेंट डेवेल्प हो जाता है सेम गोज़ फॉर द सिस्टर्स एंड द नान लिविंग इन टू कॉन्वेंट एंड गोज़ फॉर द मॉन्ग्स ओ लिव इन मोनास्ट्रीज तो हम इनको कम्युनिटी कह सकते हैं सिमिलरली एन इमिग्रेंट ग्रुप इन अ स्पेसिफिक लोकेलिटी चेरिशिंग देर ओन कस्टम्स स्पीकिंग देयर ओन लैंग्वेज इज़ अ कम्युनिटी इन अ लार्ज सिटी हम अगर माइग्रेंट ग्रुप्स की बात करें लेटिस्टिक एग्जाम्पल ऑफ जैसे हम कश्मीरी माइग्रेंट्स की बात करते हैं या कोई और रिफ्यूजी कैंप्स जो होते हैं तो वहाँ पर जो लोग रह रहे होते हैं दे आर ऑल्सो एन एग्ज़ाम्पल ऑफ कम्यूनिटी बिकॉज दे हैव दिस सेंस ऑफ बिलोंगिंग टू ईच अदर वो जहाँ से आए हैं वहाँ पर अब uh, वहाँ से भी एक साथ थे लेकिन जहाँ अभी रह रहे होते हैं रेफ्यूजी कैंप्स में या माइग्रेंट इमिग्रेंट ग्रूप कैम्प्स में तो वहाँ पर भी वो अपने ही कल्चर्स uh, को शेयर करते हैं अपने कस्टम्स को फॉलो कर रहे हैं एंड दे हैव दिस फीलिंग ऑफ एक दूसरे की दुख दर्द उन्हें पता है तो दे आर अ एग्जाम्पल और दे आर कम्युनिटीज फाइंड हाउ एवर सोशल कास्ट वंस अगेन आई हैव ऑलरेडी गिवन यू दिस एग्जाम्पल बट हम इसको समझ लेते हैं एक सोशल कास्ट को हम कम्युनिटी नहीं कह सकते इसमें सोशल कोहरेंस तो है पीपल बिलोंगिंग टू वन कास्ट डू हैव दिस फीलिंग ऑफ दिस सेंटिमेंट ऑफ को एक दूसरे के साथ बिलोंग करने का सेंटिमेंट तो अवेलेबल है बट जो पहला एलिमेंट हैोग्राफिकल एरिया वो नहीं होता तो सोशल कास्ट को हम कम्युनिटी नहीं कह सकते इज दैट क्लियर ओके फ्रेंड नाउ हम एक डिफरेंस देख लेंगे सोसाइटी और कम्युनिटी में क्या डिफरेंसेस हैं और हाउ डू वी डिस्टिंग्विश बिटवीन बोथ ऑफ दैम सोसाइटी को हम डिफाइन कर सकते हैं दिस इज़ अ डेफिनेट जोग्राफिक एरिया मतलब यहाँ पे जोग्राफिक एरिया जो है ना वो सोसाइटी का कोई इसेंशियल um, फीचर नहीं होता ठीक so, है सो जोग्राफिक एरिया इज़ नॉट एन इसेंशियल अस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी हाउ कम्युनिटी में लोकेलिटी या जोग्राफिक एरिया सबसे इम्पॉर्टेंट होता है सोसाइटी एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है एब्स्ट्रैक्ट है दिस इज़ अ नैरोअर कॉन्सेप्ट एज आई सेड कम्युनिटीज़ जो हैं वो सोसाइटी के अंदर ही एग्जिस्ट करती हैं सोसाइटी रेफर्स टू अ वेब और सिस्टम ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स वेर एज कम्युनिटी रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव इन अ डेफिनेट लोकेलिटी ओके सोसाइटी इज़ बेस्ड ऑन बोथ सिमिलैरिटीज़ एंड डिफ्रेंसेज सोसाइटी में सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस दोनों पे हम फोकस करते हैं so, समाज में हमने जैसे कहा था लाइकनेस एज वेल एज डिफरेंसेस आर फॉर्म आर पार्ट ऑफ सोसाइटी और इसेंशियल फीचर्स बट कम्युनिटी में सिर्फ मेंबर्स की सिमिलैरिटीज़ ही जो है वो कम्युनिटीज बनाती हैं हमने कहा ना कि अगर पीपल डू नॉट हैव दिस फीलिंग ऑफ बिलोंगिंग टू इच अदर दिस फीलिंग ऑफ लाइकनेस तो कम्युनिटी सेंटिमेंट नहीं डिवेल्प होगा तो कम्युनिटी ही नहीं बनेगी कम्युनिटी जो है वो सिर्फ सिमिलैरिटीज़ ऑफ मेम्बर्स पर बेस है सोसाइटी मे और मे नॉट हैव दिस थिंगल्ड एज कम्युनिटी सेंटीमेंट बट कम्युनिटी सेंटिमेंट के बिना तो कम्युनिटी बन ही नहीं सकती ओके सोसाइटी इज मोर कंसर्नड विद ऑर्गेनाइजेशन वेर एज कम्युनिटी इज कंसर्न विद लाइफ फ्रॉम विच ऑर्गेनाइजेशन डिवेलप ठीक है लेकिन कम्युनिटी में ही ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ डिवेलप होती है ऑब्जेक्टिव एंड इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी आर मोर एक्सटेंसिव एंड वेरीड वेयर एज़ कम्युनिटी के जो हैं कम्युनिटी के जो भी एक्टिविटीज़ ऑबजेक्टिवज़ होते हैं या कम्यूनिटी में जो वी कैन से ना कि सोसाइटी के जो भी ऑब्जेक्टिव हैं वो बहुत बड़े हैं कम्यूनिटी एक जो होती है उसके लिमिटेड ऑब्जेक्टिव्स हैं उसकी लिमिटेड अपनी मतलब इच्छाएं होती हैं उसके काम होते हैं लेकिन सोसाइटी एक बहुत बड़ी एंटिटी है समाज अपने आप में बहुत बड़ा है और समाज के अंदर छोटे छोटे लेवल्स पर बहुत सारे सिस्टम्स काम कर रहे हैं तो कम्यूनिटी एक ग्रुप को हम समझते हैं कम्यूनिटी उसके बीच में कुछ ग्रुप्स को, मतलब को हम मतलब कि रहने वाले ग्रुप्स को हम कम्युनिटीज़ कहते हैं तो ऑबियसली सोसाइटी का जो आ, मतलब ऑब्जेक्टिव या इंटरेस्ट होता है वो बहुत बड़े लेवल पे होता है बट कम्युनिटीज़ जो है वो छोटे लेवल पे अपने इंटरेस्ट को सर्व करती है ओके फ्रेंड्स विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस टॉपिक एंड आई होप दैट आपको कम्युनिटी के जो आस्पेक्ट्स हैं इसेंशियल फीचर्स हैं वो सब समझ में आगे होंगे एंड आई सजेस्ट यू ऑल टू रिवाइज़ एंड रिपीट द टॉपिक्स जो भी आप यहाँ पे टॉपिक कवर कर रहे हैं उनको प्लीज़ अच्छे से रीड करें उनको रिवाइज़ करें डेफिनेशंस को लर्न करें और जो की वर्ड्स हैं उन पर फोकस रखें और जब हम एम सॉल्व करेंगे ये सब चीज़ें होपफुली आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी विद दिस आई ब्रिंग दिस लेक्चर टू एन एंड थैंक यू